ना धीरता ना रे लक्ष्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, तुम बस हाँ कह दो, मैं सब संभाल लूंगा, सब पहले जैसा होगा। घर से फोन है। हेलो, आई आई, एओ एओ, ओमा ओमा, मैया क्या क्या कहना चाह रही है? ओमा ओमा उरर ई। अच्छा अच्छा, तू ये कहना चाहती है ना कि हम दोनों अभी तक घर क्यों नहीं आए? तू फोन रखेगी तब यहाँ से निकलेंगे ना। चल अभी बाय। चलो अर्जुन, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा, जल्दी करो। तुमने अपने मुंह से बेशक कुछ नहीं कहा लक्ष्मी, पर मैं जानता हूं कि सौम्य नाम का यह चैप्टर मेरी लाइफ से तुम भी निकाल देना चाहती हो। तुम्हारी खामोशी ने मेरे इरादों को और बुलंद कर दिया लक्ष्मी। मैं सौम्य को हमारे बीच कभी नहीं आने दूंगा। आई आई आया। अवा, एओ, एओ, आया। अरे भाई, मुझे पता है वो लोग अमरनाथ की यात्रा पे गए हैं। और वहाँ से फोन भी आ गया था कि वो वहाँ से रवाना हो चुके, बस आते ही होंगे, और हेलीकॉप्टर में गए हैं। फिर तू ये हेलीकॉप्टर की पेंटिंग मुझे क्यों दिखा रही है? एओ, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। आया। ए, 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 ए। क्या तू क्या कहना चाह रही है? ए, एओ, यू। अब क्या सौम्या गेस करेगी कि तू क्या कहना चाहती है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो ये बिचारी क्या समझेगी? ए, अमा, एओ, एओ, क्या गिनो? एओ? सारा टाइम आया आया ए ए करके तुमने सर में दर्द कर दिया। और दादी, आप भी ना खामखा इसको बढ़ावा देती रहती हैं। इसकी हेल्प ही करनी है तो 8-10 लाख रुपए देकर भेज दीजिए ना इसे। बेकार में घर में सरदर्द पाल रखा। सौम्या, तुम गिन्नों के बारे में ऐसा सोचती हो? ये यहाँ रहने आई है सिर्फ इसलिए, ये इस परिवार से प्यार करती है। हाँ ठीक है, ये हमारी तरह अमीर नहीं है, पर गैरत हम सब से कहीं ज्यादा है, शायद तुमसे भी ज्यादा। सौम्या, तुम्हें क्या लगता है कि 8-10 लाख की भीख दे दोगी तुम इसे? या लक्ष्मी की तरह सौदा करके खरीद लोगी इसे? ओह गॉड, दादी तो गुस्सा हो गई, कहीं मेरे मुंह से गिन्नों के खिलाफ बातें सुनकर इन्हें मुझ पर शक ना हो जाए। दादी, आई एम रियली वेरी सॉरी, पता नहीं मैं किस टेंशन में थी, बेकार में गिन्नों के बारे में इतना गलत बोल गई। सौम्या, शब्दों पे पैसे नहीं खर्चने पड़ते, फिर भी इन्हें संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंसान की नियत और फितरत शब्दों से ही झलकती है। मैंने कहा ना दादी, आई एम सो सॉरी। अब दादी, सब ना तुम्हारी वजह से हुआ, कर तो कुछ पाती नहीं, बस बिल्ली की तरह अपने पंजे से निशान बना बनाकर सबको ड्राइंग दिखाती रहती, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि किसी की समझ में कुछ नहीं आने वाला। और वैसे भी 8 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी, और 1 घंटे में तो अर्जुन और लक्ष्मी आने से रहे। माँ,
क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? अरे जब तक सौम्या जैसी औरत इस घर में है ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। हम शांति सुकून से बैठ ही नहीं सकते, नामुमकिन है। मैं समझी नहीं माँ। अरे शुक्र मना कि सौम्या की असली शादी नहीं हुई अर्जुन से, वरना ना को चने चबवाती वो। सौम्या जितनी अच्छी दिखती है ना, सीधी सादी भोली भाली, वैसी वो है नहीं, एक नंबर की लुच्ची है लुच्ची। मतलब देखा ना हमारी गिन्नो की गरीबी का कितना मजाक उड़ाया उसने, क्या कुछ नहीं कहा उसने गिन्नो को, अरे कितना कुछ सुनाया। मैंने भी अपना संयम खो दिया और दो चार खरी खोटी सुना दी उस बदतमीज को। ऐसे कैसे सौम्या ने बात की गिन्नो के साथ? मैं अभी उसे बात करती हूँ। नहीं बेटा, तू वो गलती मत करना जो मैंने की है। गलती? देख रेणुका, हमें सौम्या को ये एहसास कभी भी नहीं दिलाना है कि हम उसके पक्ष में नहीं है। मीठी छुरी बन के रहना है। फिलहाल उसकी जो मर्जी होती है उसे करने दे। हमारे प्लान के मुताबिक यही सही होगा। हम अपना मुंह तभी खोलेंगे जब हमारा वक्त हमारे साथ होगा। तब तक तू अपना नाटक फुल स्विंग में चालू रख कि सौम्या तेरी चहेती नई नवेली दुल्हन है। पता नहीं ये लखनऊ फ्लाइंग क्लब ने हेलीकॉप्टर रुकवा क्यों दिया, 2 घंटे वेस्ट हो गए। अब देखो ना, दादी के 8 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी और यहाँ से घर का रास्ता होगा कम से कम 1 घंटे का। हे भगवान, अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो अर्जुन, अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो मुझे तुमसे पूरा 1 हफ्ता दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। तुम रो क्यों रही हो? अभी बहुत वक्त है। वही तो, पहले तो शादी के 6 महीने बाद हमारी अमरनाथ की यात्रा हुई, मेरा व्रत पूरा हुआ और अब देखो पूरे 1 हफ्ते की पनिशमेंट मिल जाएगी तुमसे दूर रहने की। इतने कारण काफी नहीं है मेरे रोने के लिए। जल्दी सौम्या में इतनी समझ है कि इतनी बड़ी ट्रिप में 1-2 घंटा आगे पीछे तो हो सकता है, थोड़े से डिले के लिए तुम्हारी सौतन, आई एम सॉरी, मतलब तुम्हारी सहेली तुमसे तुम्हारा हफ्ता थोड़ा छीनेगी, है ना? बनाकर तो सहेली ही लाई थी लेकिन पता नहीं कब सहेली बन गई सौतन। सौम्या को तुम्हारा सौतन कहना इस बात को साबित करता है कि तुम भी मेरे और सौम्या के रिश्ते से परेशान हो। भैया थोड़ा जल्दी, 20 मिनट में पहुंचना है मुझे कुछ भी करके। मम्मी टाइम क्या हो रहा है? 8:50। सौम्या 5 मिनट में तुम 3 बार टाइम पूछ चुकी हो, कहीं लक्ष्मी के लेट होने का इंतजार तो नहीं हो रहा है? नहीं दादी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, वो तो अर्जुन और लक्ष्मी सुबह से हेलीकॉप्टर से निकले हुए हैं, अब तक वापस नहीं आए, तो मैं थोड़ी सी टेंस थी। ओह, लगता है मेरे सुबह वाले बिहेवियर से आप अभी भी नाराज हैं। तो ठीक है, मैं सबके सामने गिन्नो से माफी मांग लेती हूँ। गिन्नो, I'm sorry. मुझे पूरा विश्वास है कि अगला एक पूरा हफ्ता अर्जुन और मैं साथ बिताएंगे। हम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, मैंने बुकिंग्स भी करवा ली। अरे 8 बज भी गए, मुझे पता ही नहीं चला लक्ष्मी लेट हो गई। यस, हाँ हाँ लेट हो गई, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट हुए। 5 मिनट कौन सी बड़ी बात होती है, वो तो हमारा हेलीकॉप्टर ना 2 घंटे लेट हो गया। हमने कोशिश तो बहुत की टाइम से पहुंचने की लेकिन बस लक्ष्मी तुम लेट हो
तो लेट हो, ओके? दादी, और लेट होने की पनिशमेंट तो... पनिशमेंट? क्या? सौम्या, तुम मुझे 5 मिनट लेट होने की पनिशमेंट दोगी? 5 मिनट के पीछे तुम मुझे अर्जुन से 168 घंटे दूर रखोगी? ये बात तो ठीक नहीं है। दादी, आप ही कुछ कहिए ना। अमरनाथ की यात्रा पे जाने से पहले ही मैंने तुझे समझा दिया था कि नियम दादी ने बनाए हैं, पर तेरा लेट होना, तुझे एक्स्ट्रा टाइम देना, ये सब तो ऑफ कोर्स सौम्या के हाथ में है ना। थैंक्स सर। लक्ष्मी, लेट तो लेट होता है, फिर चाहे 5 मिनट हो या ज्यादा। सौम्या, मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपने लेट होने की माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे भी 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? क्या? 5 मिनट से बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट में एक भूकंप पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो करेक्ट है। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में बिजनेस टेंडर के लिए जिस बिडर की बिड निकलती है, उसे तो 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया जाता। सिर्फ 3 बार नाम अनाउंस होता है और रिस्पांस नहीं मिलने पर बिड किसी और को मिल जाती है। अब क्यों अर्जुन? हाँ, सौम्या ठीक कह रही है लक्ष्मी। तुम इतनी सी बात के लिए घबरा क्यों रही हो? तुम्हारी बहन है सौम्या, बहनों की तरह बात करके कोई हल निकाल लो, है ना? सौम्या, तुम्हें नहीं पता, लेकिन आगे आने वाला एक हफ्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखो, मैं तुम्हें कल अपने दिन में से पूरा 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन प्लीज अर्जुन को पूरे 1 हफ्ते के लिए मुझसे दूर मत करो। अब लक्ष्मी इतना कह रही है तो मान भी जाओ सौम्या। देखो, अगर तुम अर्जुन के साथ गई और लेट हो गई तो लक्ष्मी भी एडजस्ट कर लेगी। हाँ, आखिर दोनों बहनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। हाँ, ऐसा हो सकता है। आई एम सॉरी सरस्वती दीदी, ये नहीं हो सकता। इनफैक्ट अमरनाथ की यात्रा पर जाने के पहले लक्ष्मी ने मुझसे एक एक्स्ट्रा दिन मांगा था, पर ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में हम दोनों बहनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो। और वैसे भी अगर आगे जाकर ऐसी कोई गलती मुझसे हो गई या मैं लेट हो गई, तो लक्ष्मी अर्जुन को मुझसे 1 हफ्ता दूर रख सकती है। मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, पर लक्ष्मी पर लगे इस 1 हफ्ते की पेनल्टी को माफ करने के लिए प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। अच्छा, आग लग चुकी है। लक्ष्मी का दिल जल रहा है, दादी को सुकून मिल रहा है, और मेरा प्लान सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। टक टक। अब दादी, मैं सोच रही थी कि अब तो 1 हफ्ता अर्जुन मेरे साथ है, तो क्यों ना हम स्विट्जरलैंड चले जाएं? वेरी गुड। मेरा बहुत मन था कि मेरे हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में हाथों में हाथ डालकर घूमूं। आहा, हाँ हाँ बेटा, उसमें दादी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? अब अर्जुन तुम्हारे साथ है तो तुम जो चाहे कर सकती हो। अरे सौम्या, जब तुम्हारी सास ने तुम्हें इजाजत दे दी तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें स्विट्जरलैंड जाने से रोकने वाली।
पर एक मिनट, एक मिनट, एक काम करना, कल की बजाय ना तुम टिकट परसों की करवाना, क्योंकि कल तीज है और तीज के दिन शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। फिर तो ये व्रत मैं भी रखूंगी, अब पर यहाँ नहीं, स्विट्जरलैंड में, क्योंकि मेरा पति तो मेरे साथ जा रहा है ना। प्लीज एक्सक्यूज अस। ये व्रत मैं भी रखूंगी दादी। बेटा व्रत तो तू रख लेगी, पर खोलेगी कैसे? इस व्रत को खोलने के लिए पति का चेहरा देखना बहुत जरूरी होता है। और तूने सुना नहीं, वो तो तेरे पतिदेव को लेकर 7 दिन के लिए स्विट्जरलैंड चली, तो तू क्या करेगी? अब 7 दिन तक कोई अपना व्रत कैसे होल्ड कर सकता है? नो नो नो, अगर वो यहां होता तो और बात थी। रेणुका, सौम्या तो अर्जुन को लेके स्विट्जरलैंड। शादी के बाद मेरी पहली तीज और अर्जुन मुझसे दूर 7 समुद्र पार जा रहा। अब तो उसका चेहरा देखकर भी व्रत पूरा नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं, गलती तो तेरी ही है ना, रूल तो तुझी से टूटा है। अब अर्जुन को कैसे जाने से रोकूं कि ऐन वक्त पे ना दिमाग भी चलना बंद हो जाता। आई 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 ओयो जू सोया नो, अभी नहीं, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में। इस हेलीकॉप्टर की वजह से तो सारी गड़बड़ हुई है। नहीं हुई है? तू तो कहना क्या चाहती है? इन्हों कहाँ ले जा रहे? ये तो वही मैनेजर है जो मुझे लखनऊ फ्लाइंग क्लब में मिला था। क्या नाम है इसका? मिस्टर भाटिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? तेरा कहने का मतलब है कि सौम्या ने इसे पैसे देकर जानबूझकर हेलीकॉप्टर लेट करवा दिया ताकि वो मेरे अर्जुन को मुझसे 1 हफ्ता दूर रख सके। कमीनी। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। माय प्लेजर मैम। ये लीजिए आज के काम के लिए पैसे। Thank you very much. It was pleasure serving you. लक्ष्मी, ये कौन सा तरीका है मेरी बहू से बात करने का? हाँ, आपको नहीं पता इसने क्या किया? लखनऊ फ्लाइंग क्लब के मैनेजर को पैसे खिलवाकर अर्जुन और मेरे हेलीकॉप्टर को लेट करवा दिया ताकि इसे अर्जुन के साथ 1 हफ्ता मिले। सौम्या, अब ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा देर नहीं रहेगी और अर्जुन से दूर होने की सजा भी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया। झूठ? कैसा झूठ? मुझे लगता है अर्जुन से दूर रहने की सजा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। और वो मैनेजर, उसकी सर्विसेज तो मैं अक्सर यूज करती रहती हूँ,
दिल्ली से लखनऊ आने के लिए, और बाय द वे इस बार उसकी सर्विसेज मैंने नहीं, मेरी मॉम ने यूज की थी, उसी के पैसे लेने आया था वो। मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मेरी मॉम को फोन करके पूछ लीजिए। आप समझे, जब मैंने तुम्हारे लेट आने की सजा को माफ ना करके अर्जुन के साथ एक हफ्ता बाहर जाने का प्लान बना लिया तो तुमसे रहा नहीं गया। इस बेजुबान गिन्नो को यूज किया तुमने और अब मुझ पर चिल्लाकर अपने झूठ को सच साबित करना चाहती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मैं अपनी बहन मानती हूँ वो ऐसे बिहेव करेगी। अरे बंद करो अपनी ये इमोशनल डायलॉग बाजी और गिन्नो को छोड़ो, तुम्हारा झूठ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने तुम्हें खुद कहते हुए सुना कि ये तुम्हारे आज के काम के पैसे हैं। ना धीरता ना रे।